वो दे या ना दे ये उसकी मर्जी है, हम मगर उसके कुन की उम्मीद न छोड़ेंगे। मखलूक से अच्छा ताल्लुक हमेशा महफिल में हंस खेल कर बनता है, जबकि खालिक से अच्छा ताल्लुक तन्हाई में रो रो कर बनता है। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो, कि शाम को जब घर जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। अधूरी हर कहानी यहाँ ज़ोके तमाशा की, कभी नजरें नहीं रहती कभी मंजर नहीं रहते। अल्लाह पाक आपका उस वक्त भी साथ देता है जब आपको अपनी ज़ात से भी कोई उम्मीद नहीं होती। जब ये महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं तो अल्लाह पाक के रास्ते पर चल पड़ो, बेशक अल्लाह ताला का रास्ता बंद नहीं होता। खाक से बने इंसान में अगर खाकसारी ना हो तो उसका होना ना होना बराबर है। सर तो झुकता है खुदा के आगे, ना जाने दिल नमाज क्यों नहीं पढ़ता। हमारी तौबा भी तौबा की मोहताज है, इसमें सच्चाई नहीं होती। कभी कभी दिल की तसल्ली के लिए ये बात याद रखना ज़रूरी होता है कि दुनिया मकाफात अमल है। नेक और पारसा ज़रूर बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि हर दूसरा गुनहगार ही नज़र आने लगे। सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, बेएतबारी नहीं, और वो है अल्लाह पाक की मोहब्बत। बेबस इंसान का सजदा ही बेबसी का इलाज है। हम सब हासिल और ला हासिल के दायरों में घूम रहे हैं, हासिल की नाकदरी और ला हासिल की कदर ख़त्म नहीं होती। दिल एक आईना है, अगर वो बदी से पाक है तो उसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। इंसान कभी भी किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो अल्लाह पाक के आगे रोने से पहले किसी इंसान के आगे रो चुका होता है। जब वास्ते और रास्ते अल्लाह पाक से जुड़ जाएं तो दिल नहीं टूटा करते। माफ़ी के लिए पहले खुद को माफ़ी के काबिल बनाना पड़ता है। हर वली का एक माजी है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल। घबराएं नहीं, ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जिनको अल्लाह पाक ने थामना हो। काले दिलों से काले चेहरे कदरे बेहतर होते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है।